कहानी की शुरुआत में हम लोरेटा जेमिसन को देखते हैं, जो अपने बच्चों की जिद करने पर कैमरा पर बता रही होती है कि 19 साल की उम्र में उसने अपना घर छोड़ दिया था क्योंकि उसे अपने इंग्लिश टीचर से प्यार हो गया था और इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते थे। अब इस बात को बीते हुए 15 साल हो गए हैं। अब उसका हस्बैंड किसी और लड़की के लिए उसे और अपनी फैमिली को छोड़कर चला गया है। अब इतने सालों में लोरेटा ने अपने पेरेंट्स से बात तक भी नहीं की है, लेकिन कुछ समय पहले वो अपने पेरेंट्स से इंटरनेट पर वीडियो चैट पर मिली थी। उसके पेरेंट्स इतने सालों बाद अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना चाहते थे, लेकिन लोरेटा वो अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजना चाहती थी, पर उसके बच्चे भी वहाँ जाने के लिए जिद करने लगते हैं। दरअसल ये इंटरव्यू लोरेटा की बेटी वेका ही ले रही थी, क्योंकि वो अपने पहले विजिट को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में फिल्म करना चाहती थी। खैर, लोरेटा अपने दोनों बच्चों टायलर और वेका का सामान पैक करके उन्हें कार से स्टेशन तक छोड़ने जाती है, जहाँ पर वो दोनों 5 दिनों के लिए अपने नाना नानी के घर रहने के लिए जा रहे होते हैं। अब ये दोनों ट्रेन में बैठकर आगे का सफर तय करते हैं। ट्रेन के अंदर वेका रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है, जिसमें वो बताती है कि उसकी मॉम किसी को डेट कर रही होती है ताकि वो लोग अपने रिलेशन को थोड़ा टाइम दे सकें। इसलिए वेका अपने भाई के साथ नाना के घर जा रही होती है। अब ट्रेन में जब टायलर वॉशरूम को ओपन कर रहा होता है, तो टायलर वॉशरूम में जाते समय उस डोर को टिश्यू पेपर की मदद से ओपन करता है। इस पर वेका हमें बताती है कि जब से उसके डैड इन दोनों को छोड़कर गए हैं, तब से वो ऐसी ही हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसे जुर्म और वायलेंट पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि टायलर एक रैपर भी होता है, जो उस टीटी को रैप करके दिखाने लगता है। इस पर टीटी बहुत खुश होता है। अब कुछ देर बाद ये दोनों फाइनली अगले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें इनके नाना नानी मिलते हैं, जिसके बाद वेका सभी को अपने नाना और नानी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें उसके नानी का नाम जॉनसन और नाना का नाम फ्रेडरिक होता है। इसके बाद ये सभी कार से अपने घर के लिए जाने लगते हैं। अब घर पहुंचने पर टायलर एक झूले के पास झूलने के लिए जाता है, जिस पर वेका उसे मना कर देती है, जिसके बाद वेका उसकी एक पिक्चर क्लिक करती है। ये दोनों यहाँ आकर काफी खुश थे, इसलिए वेका अपने नाना के घर का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, जहाँ पर वो एक घड़ी और किचन का वीडियो भी शूट करती है, क्योंकि इन्हें डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। अब किचन में जॉनसन टायलर को कुछ पीने के लिए देती है, जिसके बाद वो उसे भी रैप करके दिखाता है। इस पर सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद टायलर और वेका अपनी मॉम से वीडियो चैट पर बात करने लगते हैं। अब वेका टायलर को भी एक कैमरा देती है और उसे भी वीडियो शूट करने के लिए कहती है, ताकि वो दोनों मिलकर अपने डॉक्यूमेंट्री को पूरा करें। इधर टायलर बाहर जाता है, जहां पर वो फ्रेडरिक को एक शेड में जाकर कुछ रखते हुए देखता है। इस पर टायलर उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो टायलर को इग्नोर कर वहां से चले जाते हैं। अब रात को ये दोनों अपने रूम में होते हैं, तभी फ्रेडरिक इनके पास आता है और बताता है कि हम बूढ़े लोग हैं, इसलिए हम रात को 9:30 बजे ही सो जाते हैं, और तुम दोनों भी 9:30 बजे से पहले तक सो जाना। इसके बाद फ्रेडरिक उन्हें गुड नाइट बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब रात को वेका को काफी भूख लगती है, इसलिए वो किचन में कुछ खाने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि जॉनसन पूरे घर में उल्टी करके अकेली ही टहल रही होती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वापस से अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह वेका फ्रेडरिक से जॉनसन की इस हरकत के बारे में बताती है। इस पर फ्रेडरिक उसे बताता है कि रात को जॉनसन को फ्लू हो गया था, इसलिए वो ये सब कर रही थी। खैर, अब वेका टायलर के साथ एक गेम खेलती है, जिसमें इन्हें घुटनों के बल चलकर एक दूसरे को ढूंढना होता है। ये दोनों एक छोटे सार्प जैसे जगह के अंदर जाते हैं। जब वेका टायलर को घुटनों के बल पर चलकर ढूंढ रही होती है, तभी जॉनसन अपने बालों को आगे कर वहां अजीब तरीके से चलने लगती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो टायलर को भी डरा देती है, जिससे डरकर ये दोनों उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और इनके पीछे जॉनसन भी बाहर निकल जाती है। वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उन सबसे मजाक कर रही थी। इन सबके बीच जॉनसन का स्कर्ट पीछे से फट जाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता। वेका और टायलर को ये सब अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो सब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब फ्रेडरिक और जॉनसन वॉक पर गए होते हैं, इसी बीच उनके घर पर डॉक्टर सेम आते हैं, जो उसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं जहां पर फ्रेडरिक और जॉनसन वॉलंटियर करते हैं। कुछ दिन पहले इन्हें वॉलंटियर करने हॉस्पिटल आना था, लेकिन ये वहां नहीं आए थे, इसलिए डॉक्टर सेम इन्हें पूछने आए हुए होते हैं कि क्या वे लोग ठीक हैं। इस पर वेका उन्हें बताती है कि वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर डॉक्टर सेम वहां से चले जाते हैं। इसके बाद टायलर उस सेट के अंदर जाने लगता है,
जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और साथ ही बदबू भी आ रही होती है। अंदर जाने पर उसे गंदे वाइपर मिलते हैं जिसमें खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वो यहाँ से बाहर भाग जाता है। अब हम जॉनसन को देखते हैं जो टायलर से बताती है कि फेडरिक को इकोसेंट है जिसकी वजह से उसे शर्म आती है, इसलिए वो अपना वाइपर उस शेड में ले जाकर डाल देता है और इकट्ठा होने के बाद उन सभी वाइपर को जंगल में ले जाकर जला देता है। अब इसके बाद फेडरिक उन्हें लोरेटा के स्कूल की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ पहुंचकर टायलर सबको बता रहा होता है कि ये मेरी मॉम का स्कूल है। इसी बीच फेडरिक को लगता है कि कोई उसे घूर रहा है, जिसके बाद वो उससे लड़ने लगता है, पर वो इंसान इन सबको जानता भी नहीं था। टायलर और वेका इन्हें छुड़वा देते हैं और वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। अब रात को जब टायलर और वेका अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। टायलर डोर को ओपन करके देखता है कि जॉनसन दीवाल को अजीब तरीके से रब कर रही होती है और उसने अपने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह वेका फेडरिक को ये सब बातें बताती है। इस पर वो कहता है कि जॉनसन को डिमेंशिया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सब 9:30 के बाद रूम से बाहर मत निकलो। इसके बाद जॉनसन वेका को बताती है कि जब वो किचन में काम कर रही थी तो उसी समय उनके लैपटॉप पर कुछ गिर गया था। ये सुनकर वो दोनों लैपटॉप पर लगे उस दाग को काफी छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दाग नहीं छूटता। टायलर को ये सब अजीब लग रहा होता है, लेकिन वेका को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। खैर, जब ये दोनों लोरेटा से वीडियो कॉल करते हैं तो इस समय लोरेटा इनका चेहरा नहीं देख पाती, क्योंकि उनके लैपटॉप के कैमरे पर ही वो दाग लगा हुआ था। इनके साथ जो भी अजीब हो रहा था, टायलर सब कुछ लोरेटा से बता देता है। इस पर लोरेटा इन्हें बताती है कि वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उनके साथ ये सब होना नॉर्मल है। इधर जॉनसन सिगरेट कंज्यूम कर रही होती है। अब उसके पास वेका जाती है जो उसका इंटरव्यू लेने लगती है, जिसमें वो पूछना चाहती थी कि उस दिन उसके मॉम और इनके बीच में क्या हुआ था। ये सुनकर जॉनसन काफी अजीब व्यवहार करने लगती है, जिसे देखकर वेका उसे शांत कराने के लिए इंटरव्यू यहीं पर रोक देती है और उनसे कहती है कि वो अब से ऐसा सवाल नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं कि टायलर घर में कैमरा लगा रहा होता है ताकि वो रात में रिकॉर्ड करके देख सके कि यहाँ रात में होता क्या है, लेकिन ये देखकर वेका उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि किसी के लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से कैमरा हटा देती है। अब उसी रात करीब 10:30 टायलर और वेका को किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद टायलर उठकर देखता है कि जॉनसन काफी अजीब तरीके से दौड़ रही होती है, और थोड़ी देर बाद जॉनसन दौड़ते हुए उसके पास आती है, जिसे देखकर टायलर काफी डर जाता है और डोर को बंद कर देता है। खैर, अब अगले दिन सुबह वो सब सैर करने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर टायलर जॉनसन का मजाक उड़ाता है और ऐसे भागता है कि जैसे लास्ट नाइट जॉनसन भाग रही थी। लेकिन जब जॉनसन ये सब देखती है तो वो उसे डांटने लगती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलती है। अब वेका और टायलर एक दूसरे का इंटरव्यू भी लेते हैं, जहाँ पर वो सब अपने डैड के साथ बिताए हुए पल को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनके डैड किसी और के लिए उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे। अब थोड़ी देर बाद उनके घर स्टेसी नाम की एक लड़की आती है, जो फेडरिक को एक पुटिंग देने के लिए आई हुई थी, लेकिन वेका उससे बताती है कि वो इस समय यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर वो यहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद वेका को जॉनसन दिखाई देती है, जो एक चेयर पर बैठकर हंस रही थी। वेका उसके पास जाकर उससे इन सब का कारण पूछती है, जिस पर जॉनसन अपने स्कॉट से अपना मुंह ढककर दम घुटने लगती है, जिसे देख वेका थोड़ा डर जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर वेका फेडरिक के पास जाकर उनसे ये सब बातें बताने लगती है कि जॉनसन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले चलना होगा। इस पर फेडरिक उनसे कहता है कि वो मेडिसिन ले रही है। अब इसके बाद वेका और टायलर हॉल में एक कैमरा लगा देते हैं ताकि वो देख सकें कि रात में यहाँ पर क्या होता है। उसी रात फेडरिक और जॉनसन घर आते हैं। इधर वेका और टायलर दोनों अपनी मॉम से वीडियो चैट पर बात करने लगते हैं और साथ ही देर रात का वेट करते हैं ताकि वो देख सकें कि रात में क्या होता है। फिर कैमरे में हम देखते हैं कि जॉनसन इधर उधर घूमने लगती है, और इसी बीच वो कैमरे को देख लेती है और उसे उठाकर वेका और टायलर के रूम के बाहर चाकू लेकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर वो दोनों रूम के बाहर आए तो वो उन्हें मार सके। लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद जॉनसन यहाँ से चली जाती है और उसका कैमरा वहीं पर रख देती है। अगले दिन सुबह वेका और टायलर रात का फुटेज अपने लैपटॉप पर देखने लगते हैं। अब ये सब देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद वेका फेडरिक का इंटरव्यू लेती है,
जिसमें वो उनसे पूछती है कि तुम सब चीजों को भुलाकर अपनी बेटी को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते। इस पर पैट्रिक उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अब कुछ देर बाद बेका नाना नानी को स्टेसी से लड़ते हुए देखती है, जो इन्हें पुटिंग देने आई हुई थी। अब वो दोनों उससे क्यों लड़ रहे थे, हमें ये इस मूवी में नहीं बताया गया। खैर, अब कुछ देर बाद बेका फिर से जॉनसन का इंटरव्यू लेती है और एक स्टोरी के जरिए उनसे पता लगाने की कोशिश करने लगती है कि उस लड़की के पेरेंट्स ने उसे माफ क्यों नहीं किया, ताकि उसकी नानी फिर से घबराए नहीं। लेकिन इस बात का जॉनसन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर बेका अपनी मॉम को वीडियो कॉल करती है और कहती है कि आप आज ही हमें यहाँ से ले जाओ, क्योंकि नाना नानी दोनों रात के समय में काफी अजीब सी हरकतें करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर डर लग रहा है। फिर टायलर अपनी मॉम को नाना नानी की तरफ कैमरा करके उनका व्यू दिखाता है, जिसे देख उसकी मॉम काफी डर जाती है और बेका और टायलर को बताती है कि ये तुम्हारे नाना नानी नहीं है। अब ये बात सुनकर बेका और टायलर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी बीच जॉनसन उन्हें अपनी मॉम से वीडियो कॉल करते हुए देख लेती है। इधर उसकी मॉम पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग पाता, जिसके बाद लोरेटा इनसे कहती है कि तुम सब अपना सामान जल्दी से पैक कर लो, मैं जल्द ही तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। तभी वहाँ पर फेडरिक आ जाता है, जो कहता है कि आज वो सब मिलकर बोर्ड गेम खेलेंगे। फेडरिक ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। तभी जॉनसन बेका और टायलर को किचन साफ करने के लिए बुला लेती है, ताकि वो लोग कहीं भागे ना। बेका किचन साफ करने के बाद टायलर से कहती है कि चलो बाहर की कुछ सूट ले आए, ताकि वो दोनों यहाँ से भाग सकें। पर तभी जॉनसन उससे ओवन साफ करने के लिए बोलती है, जिसे साफ करने के लिए बेका उसके अंदर चली जाती है, जिसके बाद जॉनसन उस ओवन को बंद कर देती है और बाहर से साफ करने लगती है। ये देखकर टायलर डर जाता है। इसके बाद बेका अंदर से चिल्लाने लगती है, फिर जॉनसन ओवन को ओपन कर देती है, जिससे बेका बाहर आ जाती है। अब इसी बीच फेडरिक बोर्ड गेम को शुरू कर देते हैं, जिसमें जॉनसन और फेडरिक उस गेम को काफी एंजॉय के साथ खेलते हैं। लेकिन बेका और टायलर इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि ये हमारे नाना नानी नहीं है। तभी फेडरिक का पेट खराब हो जाता है, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं और जॉनसन गेम को खेलते खेलते ओवर एक्साइटेड हो जाती है। अब बेका मौका पाकर बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने नाना नानी की असली फोटो देखती है। तभी उसको वहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल की ड्रेस मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आए हुए हैं। तभी बेका को अपने रियल नाना नानी की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। अब ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इधर जॉनसन फिर से बीमार हो जाती है, क्योंकि टाइम 9:30 बजे के पार हो चुका था, क्योंकि उसे रात के 9:30 बजे के बाद अजीब चीजें करने की बीमारी होती है। इसके बाद फेडरिक जॉनसन को उसके रूम में छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद फेडरिक बेका को बेसमेंट में जाकर पकड़ कर ले आते हैं और उसे मारते भी हैं। इसी बीच हम टायलर के सिर पर चोट लगा हुआ देखते हैं, जिसके कारण वो उठ नहीं पा रहा होता। इधर बेका किसी तरह बचकर दूसरे रूम में चली जाती है। फेडरिक टायलर को अपना गंदा पैड देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि टायलर गंदे पैड से काफी डर चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ बेका को जॉनसन डराने लगती है। काफी अंधेरा होने की वजह से बेका उसे देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो कैमरे की लाइट को ऑन कर लेती है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर जॉनसन उस पर अटैक कर देती है, पर किसी तरह बेका उसे चाकू से स्टैब करके मार देती है। इसके बाद बेका यहाँ से भागकर टायलर को बचाने के लिए जाती है, जिसके बाद वो फेडरिक पर अटैक करती है और टायलर भी उसे बुरी तरह मारता है। अब इन दोनों को बेहोश करके ये दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। घर के बाहर बेका और टायलर को उनकी मॉम लोरेटा मिल जाती है, जिससे ये दोनों बच जाते हैं। अब कुछ दिन बाद लोरेटा बेका को इंटरव्यू देती है, जिसमें वो बताती है कि उस दिन उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में हाथापाई हुई थी, जिसके कारण उसने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इस पर बेका अपने मॉम से कहती है कि तुम ऐसा मत करना और मेरे साथ हमेशा रहना। इसके बाद टायलर रैप करने लगता है, जिसके बाद ये सभी हैप्पी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।